Now, I call upon Senator Mushtaq Ahmad Khan to move the amendment. Senator Mushtaq Ahmad Khan on my left side. Shukriya, Mr. Speaker. मैं ये अमेंडमेंट मूव करने से पहले मिस्टर स्पीकर वजीर आजम साहब तशरीफ फरमा है, प्लीज अमेंडमेंट मूव मैं अमेंडमेंट मूव करता हूं, मुझे आप एक मिनट दीजिए। वजीर आजम साहब तशरीफ फरमा है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वजीरिस्तान में ऑपरेशन का फैसला किया है। वजीरिस्तान में आज तक 7 मुआहिदे हुए हैं और 21 ऑपरेशन हुए हैं, ये 22वां ऑपरेशन होगा। वजीरिस्तान में ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं है, वजीरिस्तान के लोग थक चुके हैं, वजीरिस्तान तबाह बर्बाद है। मैं वजीर आजम साहब से कहता हूँ, मैं बिलावल जरदारी से कहता हूँ, वजीरिस्तान के अवाम किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन को कबूल नहीं करेंगे। वजीरिस्तान के अवाम को तालीम चाहिए, अस्पताल चाहिए, तरक्की चाहिए, वहाँ के अवाम को रोजगार चाहिए, वहाँ के अवाम को मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चाहिए। इसलिए वजीर आजम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस फैसले को रिव्यू करें और वजीरिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन 21 मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं, 7 मुआहिदे हो चुके हैं, पहले उनका जायजा लें क्यों नाकाम हो गए हैं। इसलिए किसी मिलिट्री ऑपरेशन की वहां पे आप इजाजत न दें, वहां के अवाम को सड़कें दें, वहां के अवाम को तालीम दें, वहां के अवाम को सेहत दें, वहां के अवाम को रोजगार दें, वहां के अवाम को मिलिट्री ऑपरेशन न दें। अभी अमेंडमेंट मूव कर लें जल्दी से। मिस्टर चेयर, मिस्टर स्पीकर, मैं आपकी इजाजत से आई सेनेटर मुश्ताक अहमद खान मूव दैट इन द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 एज पास बाय द नेशनल असेंबली एंड सेनेट एंड रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट इन क्लास 5 सब क्लास 2 शैल बी अमिटेड। मिस्टर स्पीकर, मैं इस पे बात करना चाहता हूं जरा। मिस्टर स्पीकर, मैं इस पे बात करना चाहता हूं। करें। मिस्टर स्पीकर, ये जो बिल है उसूली तौर पर इस बिल के इंटेंशन अच्छे हैं और इस बिल के इंटेंशन ये है कि पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में अदलिया के इंक्रोचमेंट को रोका जाए। मैं पार्लियामेंट के साथ खड़ा हूं और न सिर्फ अदलिया के इंक्रोचमेंट को रोका जाए, एस्टेब्लिशमेंट के इंक्रोचमेंट को भी रोका जाए और इस पार्लियामेंट को सावर्न होना चाहिए, पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए। मिस्टर स्पीकर, अदलिया भी पार्लियामेंट के दायरे अख्तियार में मुदाखलत कर रही है, लेकिन गुज़िश्ता 75 साल से एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट के दायरे अख्तियार में इंक्रोचमेंट कर रही है। ये जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल बाजवा आज कल इंटरव्यू दे रहे हैं और पार्लियामेंट के चेहरे पर थप्पड़ लगा रहे हैं, जमहूरियत के चेहरे पर थप्पड़ लगा रहे हैं। क्यों ये पार्लियामेंट, क्यों ये हुकूमत अदलिया की तरह वो एस्टेब्लिशमेंट को इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए इकदाम न करें। ये जो अमेंडमेंट मिस्टर स्पीकर, जो अमेंडमेंट मैंने पेश किए, मैं ये चाहता हूं कि अदलिया की इंक्रोचमेंट खत्म हो जाए, बेंचेस की तश्कील में और 100 वोटों के इख्तियार में तवाजुन नहीं था और खुद अदलिया के अंदर से ये आवाजें उठ रही थी कि वन मैन शो है, खुद अदलिया के अंदर से ये आवाजें उठ रही थी कि इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है। तो ये होना चाहिए कि 100 वोटों को हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर ले, बेंचेस की तश्कील के अख्तियार को रिकॉन्स्टिट्यूट कर ले, लेकिन 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 मिस्टर स्पीकर, उसके साथ आपने क्लास 5 सब क्लास 2 में जो पर्सन स्पेसिफिक कर लिया है, पर्सन स्पेसिफिक, इससे मैं इख्तलाफ करता हूं। आप अपने लोगों को, अपनी लीडरशिप को इसके जरिए से रिलीफ देना चाहते हैं। 21 लाख मुकदमात अदालतों में पेंडिंग है, गरीब आम को इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके लिए कानून साजी कर लें। इसलिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन माजी में भी गलत था, अब भी गलत था, पहले भी आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के लिए पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की गई थी, गलत था, पहले भी एफएटीएफ के लिए और आईएमएफ के लिए स्टेट बैंक के हवाले से लेजिस्लेशन की गई थी, गलत था। इसलिए ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्लास 5 की सब क्लास 2 को ऑमिट करने की मैं तजवीज और तरमीम पेश करता हूं। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डू यू अपोज इट? जनाब स्पीकर, मोहतरमा शिजा फातिमा ख्वाजा साहब ने
जो अमेंडमेंट्स पेश की वो कुछ लैंग्वेज की इम्प्रूवमेंट के हवाले से हैं, जो कि उस प्रोविजन के टेक्स्ट को एज सच या उसकी रूह को या उसके मकसद को चेंज नहीं करती, मैं उसे अपोज नहीं करता। जहां तक ताल्लुक है सेनेटर मुश्ताक साहब का, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर भी की, लेकिन मैं बड़े अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि आइन के आर्टिकल 184(3) के नीचे लोगों के आइनी हकूक़ की जिस तरह से पामाली भी हुई, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जनाब स्पीकर, हमने देखा कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस्लामाबाद के कॉन्स्टिट्यूशन 1 पे बनने वाले दो ट्विन टावर्स के नाम से वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 को तो जुर्माना डाल के वैलिडेट कर दिया गया, और उसी जज ने, उसी बेंच ने कराची के सफ़ेद पोशों के नस्ला टावर की मुनहदम करने का हुक्म जारी कर दिया और उसकी डेमोलिशन ऑर्डर कर दी। हमने ये भी देखा कि लोगों की करोड़ों की जायदादें जो हैं उनके फैसले 184(3) में कर दिए गए, और ये बारहा मुतालबा आया कि इसमें अपील का राइट होना चाहिए। ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है जो किसी एक शख्स को, दो को नहीं, जो लाइव इश्यूज़ हैं वो 30 हैं या 40 हैं या 50 हैं, उन्हें उस दिन भी हमने डिबेट किया था, वन टाइम डिस्पेंसेशन प्रोवाइड की थी कि वो विद इन 30 डेज सुप्रीम कोर्ट में अपनी ग्रीवेंस ले आए, एग्रीव्ड आदमी जिसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हुआ है। तो ये उन एग्रीव्ड लोगों को एक लीगल रेमेडी है, फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ने करना है, किसी और ने नहीं करना। कहने का मकसद ये था कि जिन्होंने ये चीज़ें की हैं उन्हीं के हाथों से दुरुस्त हों तो अच्छा है। तो मैं सेनेटर मुश्ताक खान साहब जो हैं उनकी जो अमेंडमेंट है उसे अपोज करता हूं सर। नाउ आई पुट द अमेंडमेंट एज मूव्ड बाय मिस शजा फातिमा खाजा। द क्वेश्चन इज दैट अमेंडमेंट एज मूव्ड बी अडॉप्टेड। ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट मे से आई, ऑल दोज अगेंस्ट इट मे से नो। I think the eyes have it and consequently the amendment is rejected. The amendment is adopted, sorry. Now I put the amendment as moved by Senator Mushtaq Ahmad Khan. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the amendment is rejected.